दिस इज मी एलिसा, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैं स्ट्रीट फूड को कवर कर रही हूँ मुजफ्फरपुर के। एंड मेरा जो अभी इससे पहले वाला जो भी दो ब्लॉग्स गया, वो बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आया और काफी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे लिट्टी चोखा, गोलगप्पा, उन सबको कवर कीजिए। तो मुझे याद आया कि बहुत पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले, मैं एक जगह पे आती थी खाने और यहाँ के गोलगप्पे मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। रीजन ये था कि इनके गोलगप्पे, मुझे लगता है मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा गोलगप्पा कोई नहीं खिलाता है और इतना टेस्टी भी। सो मैं पहुंची हूँ आज एक जगह को कवर करने। आई थिंक आप लोग में से काफी सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे खा चुके होंगे। सो ये जो एल एन मिश्रा कॉलेज है, इधर में आप हनुमान मंदिर देखेंगे मारीपुर से थोड़ा आगे। वैसे मैप लोकेशन एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर चेक कीजिएगा। और ये पीछे स्टॉल लगी हुई है, तो अभी हम चलते हैं और टेस्ट करते हैं वही पुराने वाला गोलगप्पा। सो गाइज, ये भैया जो हैं यहाँ पे कितने साल से आप लगा रहे हैं? 15-16 साल से लगा रहे हैं। 15-16 साल से यहीं पे लगाते हैं ना? और कितने बजे आप लगाते हैं यहाँ पे? 12:30 से 1 बजे के बीच। अच्छा, और शाम में कितने बजे तक रहता है? 7:30 बजे। ठीक है, तो 12-13 साल से आप बोल रहे हैं ना? 15 साल लगभग 15 साल से ये लगा रहे हैं। और पानी पूरी वो वाला तो खट्टा वाला तो है, मीठा वाला भी शायद आप खिलाते हैं ना? और 10 का कितना खिलाते हैं? 4 पीस। तो मेरे लिए भी लगा दीजिए एक, खट्टा और मीठा दोनों मिक्स करके। ठीक है, टाइमिंग तो बता ही दिया भैया ने, 11:30-12:00 तक आप आराम से आइए यहाँ पे खाइए। और इवनिंग के 7-7:30 तक रहता है। 15 साल पुराना है और टेस्ट तो पहले भी मैं कर चुकी हूँ, फिलहाल मैं बहुत टाइम के बाद हुई हूँ, तो फिर से हम यहाँ पे आज खा के देखते हैं। सो गाइस, ये है इसका साइज, ये जो कटोरी है उससे भी बड़ी साइज की है। और देखिए अब मैं खाऊंगी कैसे इसको। अमेजिंग टेस्ट। इनके पानी भी बहुत टेस्टी है, थोड़ी स्पाइसी है, बट वो स्पाइसी आप अपने हिसाब से ना वो कर सकते हो। अगर कम स्पाइसी चाहिए वैसा वाला भी खा सकते हैं आप, मीठा वाला जी। इनका मीठा वाला भी बहुत टेस्टी है, और ये वाला जो मीठा वाला इनके यहाँ खाती हूँ ना, वो कहीं और मैंने नहीं खाया है। Awesome taste है। मतलब इनकी जो, अच्छा मीठी वाली चटनी आप किस चीज से बनाते हैं? इमली से बनाते हैं। इमली की ही मीठी चटनी। अच्छा, इमली की ही मीठी चटनी होती है, बट ट्रस्ट मी, मतलब आपको वो खट्टा वाला तो कहीं और मिल जाएगा, बट ये जो मीठी वाली चटनी इनके यहाँ मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। अब मैं थोड़ी देर में और खाऊंगी पहले। गाइस, इनके पास गोलगप्पा के अलावा चुड़मुर भी है, और बहुत लोगों को चुड़मुर, मैं भी खाती हूँ कभी कभी, चुड़मुर भी बहुत टेस्टी। वो एक तरह का चाट होता है जिसमें कि वो, मतलब इनका जो पूरी होता है वो क्रिस्पी सा पूरी मिक्स करके मसाले के साथ बना के देते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है। वो कैसे प्लेट देते हैं आप? 15 का एक प्लेट देते हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने यहाँ के गोलगप्पे ट्राई किए, लिटरली मजा आ गया। और वो पहले वाली टेस्ट फिर से अभी भी, मतलब वो जो मैं समझिए 5-6 साल से जो यहाँ पे खा रही हूँ ना, वही टेस्ट मुझे आज भी वही मिलता है। और सही में इनका जो स्पेशलिटी है, जो इनके पूरी के जो साइज होती है, पूरे मुजफ्फरपुर में आपको ये साइज का नहीं मिलेगा। प्लस इनकी मीठी वाली जो चटनी होती है, वो मुझे लिटरली बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोग ने कभी यहाँ नहीं खाया तो आप एक बार ज़रूर आके खाइए। और मुझे लगता है एलन मिश्रा के तो जितने भी बच्चे हैं वो लोग तो यहाँ पे आके खाते ही होंगे। और यस, अगर आप लोग ने भी खाया है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। टाइमिंग मैंने बता ही दिया है, 12 बजे से लेके समझिए कि आपको 7-7:30 तक ये खुला रहेगा। और 10 रुपये के 4 पीस आपको यहाँ पे ये पानीपुरी खिलाएंगे। फुल प्लेट 15 रुपये का चुड़मुर खिलाते हैं,
तो यहाँ पे आइए एक बार जरूर टेस्ट कीजिए एंड फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ का। एंड अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।